हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का गणित में अर्जुन वीडियो वोट 3, यानी इसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हमने दो वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराया जाए जहाँ से आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियोस में हम लोग दो फिगर को डिस्कस करेंगे। पहला फिगर आपके सामने, इसके बाद भी हम कुछ फिगर लेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि आकृति में ओपी जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये जो ओ से पी की लंबाई देख रहे हो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये पी और ए जो है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे कहा है ओ ए की लंबाई कितनी होगी, ये जो ओ ए है इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह का फिगर देखकर घबराना बिल्कुल भी मत। ठीक है, आप लोग सिर्फ इस त्रिभुज पे ध्यान देना। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये तीन है, ये आधार है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप लोगों को पता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बताइए, कर्ण है आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 5 का स्क्वायर। लंब तो आपको निकालना है ये वाला, तो यहाँ पे लिख दो ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार कितना है ए पी की, यानी 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देना 3 सेंटीमीटर। आपको अब क्या करना है, इस ओ ए को यहीं पे रहने देना, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका आधार में, सॉरी 3 का स्क्वायर ना करना, 3 तिहाई 9। ठीक है, इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए का स्क्वायर बराबर 25, 25 में से 9 इधर आके क्या होता है घट जाता है, ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 9। ठीक है, 25 में से जैसे ही आप 9 घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि 25 में से 9 जब आप घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही ओ ए का वैल्यू निकालोगे ये स्क्वायर हट करके इधर रूट चढ़ जाएगा, और ओ ए बराबर हो जाएगा 16 का क्या होता है रूट 4 होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया ओ ए की लंबाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद जो इसका दूसरा फिगर है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आइए दूसरे सवाल में। ठीक है, दूसरा सवाल भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी अंतर नहीं है, आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आकृति दिया है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर था, ओपी 5 सेंटीमीटर है, पीआर 4 सेंटीमीटर है, पीआर 4 सेंटीमीटर, तो ओआर की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर बैठा करके आप ओआर की लंबाई जैसे हमने इसके पहले वाले सवाल को किया, आप उसको कर करके और कॉमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम न्यू हैं आपके लिए और आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।